Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Ridhi Agrawal and I'm here with the second part of Unit 4, that is Solid State. तो पिछले लेक्चर में हमने जो भी क्लासिफिकेशन था सॉलिड्स का, जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनके बारे में बात की थी. आज हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्रिस्टल लेटाइसिस एंड यूनिट सेल. तो गाइज, अभी जो है कोरोना वायरस का बहुत चक्कर चल रहा है, तो आप लोग घर पे बैठ के ही पढ़ रहे होंगे. और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम हो गया है. अब एक महीने का ऑलमोस्ट टाइम रह गया है, तो इस एक महीने में अगर आपको अपना कोर्स रिवाइज करना है, कोई भी डाउट क्लियर करने हैं, तो एक ऐप है जिसका नाम है डाउट नट. उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो. उस ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को एक ब्रीफली समझा देती. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहां कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट, तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टल लेटाइसिस एंड यूनिट सेल्स. अब देखो, जब हम कोई भी टाइल से अपना जो जमीन है उसे कवर करते हैं, फ्लोर को कवर करते हैं, तो एक रिपीटेड पैटर्न जो है वो जनरेट होता है. आप अपने घर की टाइल्स ही देख लो. सो अगर टाइल्स को फ्लोर पे सेट कराने के बाद हम किसी भी लोकेशन पे एक पॉइंट मार्क करें सारी टाइल्स में, जब सपोज करो कि जैसे ये टाइल्स है हमारी, तो इन सब टाइल्स में हमने सेंटर पॉइंट जो है उसको मार्क कर लिया, और इन मार्क्ड पोजीशंस को हम सिर्फ देखें, हम टाइल को भूल जाएं, हम सिर्फ इन मार्क्ड पोजीशंस को देखें, तो हमें एक पॉइंट जो है उसका सेट मिल जाएगा. नाउ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज द स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग टाइल. ऐसा माना जाएगा कि ये जो है ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने स्कैफोल्डिंग बनाई है. स्कैफोल्डिंग मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है वो बनाया है, और हमने फिर इन टाइल्स का पैटर्न बनाया है. ये स्कैफोल्डिंग जो है वो स्पेस लेटाइस होता है जिसपे 2-डायमेंशनल पैटर्न जो है वो डेवलप किया जाता है अगर हम उस पर स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो हैं वो लगा दें, जैसे इस पे हमने टाइल्स लगाई वैसे ही. सो जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम बेसिस या फिर मोटिव बोलते हैं. अब जब हम इन मोटिव्स को स्पेस लेटाइस के पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं तो एक पैटर्न जनरेट होता है. अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मोटिव जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है. अब दूसरी तरफ जो हमारा स्पेस लेटाइस है उसको हम क्रिस्टल लेटाइस भी बोलते हैं. होता क्या है वो, इट इज द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ दीज मोटिव्स. तो ये पैटर्न होता है उन पॉइंट्स का जो कि इन मोटिव्स की लोकेशन बताते हैं. दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेस लेटाइस जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक स्कैफोल्डिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है. तो जब हम इन मोटिव्स को आइडेंटिकल मैनर में स्पेस लेटाइस के पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है. कैसे, ये मोटिव है हमारा, ये हमारे लेटाइस पॉइंट्स हैं. अब इन मोटिव्स को हम इन लेटाइस पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे, लेकिन सबको एक जैसा रखना होगा हमें, जैसा कि हमने इसमें रखा है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो बन के तैयार हो जाएगा. अब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है लेटाइस पॉइंट्स का, इसके थ्रू अलग अलग टाइप के लेटाइसेस मिल सकते हैं. अब ये अरेंजमेंट क्या है, 2 तरीके का हो सकता है. एक ऐसा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, या फिर एक इस तरह का भी हो सकता है, जैसे 4 यहाँ पे हैं, फिर 3 यहाँ आ गए, फिर 4 यहाँ आ गए, फिर 3 यहाँ आ गए, फिर 4 यहाँ आ गए, तो इस तरह का अरेंजमेंट भी हो सकता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में भी यही है. स्पेस लेटाइस जो है वो एक 3D एरे होता है, एक 3D पैटर्न होता है पॉइंट्स का. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, जब हम मोटिव्स को लेटाइस पॉइंट के साथ एसोसिएट करा देते हैं. अब जो हर एक रिपीटेड मोटिव होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि उसका ओरिएंटेशन जो है वो भी सेम होना चाहिए. अब जो एनवायरनमेंट होता है हर एक मोटिव का, वो पूरे क्रिस्टल में सेम होता है, बस सिर्फ सरफेस को छोड़ के. अब जो हमारा क्रिस्टल लेटाइस है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए, तो उसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. पहला है, हर एक पॉइंट जो होता है लेटाइस में उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट और लेटाइस साइट. देन हर एक पॉइंट जो होता है क्रिस्टल लेटाइस में वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है. और ये जो लेटाइस पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ज्वाइन करते हैं, जिससे हमारे पूरे लेटाइस की ज्योमेट्री जो है वो बाहर आ जाए.
अब अगर हमें क्रिस्टल को पूरी तरीके से स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें पूरे क्रिस्टल की जरूरत नहीं है, हमें उस क्रिस्टल के स्पेस लैटाइस का एक छोटा सा पार्ट चाहिए, और उस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट सेल, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट है वो यूनिट सेल कहलाता है। अब नॉर्मली वो सेल हम चूज करते हैं जिसकी परपेंडिकुलर साइड जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ की हो और हम उसके थ्रू पूरा क्रिस्टल बना सके, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम करा सके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, और पूरा जो है हम क्रिस्टल जो है वो प्रिपेयर कर लें। अब जो यूनिट सेल्स होती है हमारी, उनकी ऐसी शेप होती है कि वो पूरे लैटाइस को फिलअप कर दे, यानी कि बीच में कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। जैसे इस तरह की शेप नहीं होनी चाहिए कि इस तरह को हमने इसको इस तरह से ज्वाइन किया तो ये स्पेस छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिट सेल इस तरह की होनी चाहिए कि जब हम उसको डिस्प्लेस करके पूरा क्रिस्टल बना रहे हैं तो कोई भी जगह जो है वो ना छूटे, जैसा कि एकदम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वैसा ही बने। नाउ टू डायमेंशन में हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं जिसकी साइड है लेंथ ए और बी की, और एक एंगल है उसके बीच में आर, तो उसको हम जो है यूनिट सेल की तरह चूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी यूनिट सेल्स हैं जो कि हमारी 2D में यानी कि 2D में पॉसिबल बन सकती हैं। कैसी है, कौन कौन सी है, ये जो पांचों आपको दिखाई दे रही हैं ये पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं जो हम 2D में बना सकते हैं। अब जो हमारा 3D क्रिस्टल लटाइस है उसका एक पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये उसकी यूनिट सेल है। तो अगर इस यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करके और इसको डिस्प्लेस करते जाएंगे तो हमारा पूरा क्रिस्टल लटाइस जो है वो बन जाएगा। अब इस 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, तो उसके कैरेक्टराइज करने के दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है उसकी डायमेंशंस, जो उसके तीन एजेस पे आ रही हैं, ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी। अब ये एजेस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के, और नहीं भी हो सकती। और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है एंगल्स बिटवीन दी एजेस, इन एजेस के बीच का एंगल्स, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा एंगल जो है वो बी और सी के बीच में है, बीटा एंगल ए और सी के बीच में है, और गामा एंगल ए और बी के बीच में है। तो इसको याद रखने का एक बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ, ए बी सी तो हम याद रख ही सकते हैं, तो जो हमारी बी और सी साइड है उसके बीच का एंगल है अल्फा। अब अल्फा जो है वो ए की तरह दिखता है तो इसीलिए हम इसको ए बी सी की तरह याद रख सकते हैं। दूसरा आ गया हमारा बीटा, यानी कि ए और सी के बीच में एंगल है बीटा, तो बीटा जो है वो बी की तरह दिखता है तो ये वापस से हमारा ए बी सी वाला हम याद रख सकते हैं। और अगर अल्फा और बीटा याद हो गया तो गामा तो ऑलरेडी हमें याद रहेगा। तो इसलिए एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें 6 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, ए बी सी और अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे क्रिस्टल लटाइसिस और यूनिट सेल्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा एक सब पार्ट है प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स, उसके बारे में बात करेंगे। सो, जो यूनिट सेल होती है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है यूनिट सेल के, जैसे ये हमारी यूनिट सेल है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिर्फ इन कॉर्नर्स पे अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा किसी और जगह पे भी प्रेजेंट है, मतलब कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही लेकिन उसके अलावा बाकी जगह पे भी है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजिशंस अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही उसके अलावा किसी और जगह पे भी है तो उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। अब वो किस जगह पे हमारे बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स के अलावा, उस बेसिस पे हम इन सेंटर्ड यूनिट सेल्स को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसके अलावा एक बॉडी के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा टाइप जो है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर्स पे तो वही प्रेजेंट हो गए वापस से, लेकिन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हर एक फेस के सेंटर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो इसमें जैसे ये एक फेस है इसके सेंटर पे है, ये पीछे वाला फेस हो गया इसके सेंटर पे, साइड वाले दोनों हो गए इसके सेंटर पे, एक ऊपर वाला हो गया एक नीचे वाला हो गया, तो 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मिल जाएंगे हमें कॉर्नर्स के अलावा। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये फेस सेंटर्ड की तरह होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है फेस सेंटर्ड से, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होंगे ही
लेकिन कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस जो हैं उसके सेंटर पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जैसे या तो हम आगे पीछे वाले फेस ले लें उनके बीच में होंगे, या फिर हम साइड वाले दोनों ले लें उनके बीच में होंगे, या फिर हम ऊपर नीचे वाला ले लें उसके बीच में, लेकिन सब में नहीं होंगे, किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने इंस्पेक्शन किया अलग अलग क्रिस्टल्स का, तो हम एक कंक्लूजन पे आए कि वो जो इनके स्ट्रक्चर्स थे वो सेवन जो हमारे रेगुलर फिगर्स हैं उनके जैसे आ रहे थे। कभी किसी का कोई स्ट्रक्चर आ रहा था, कभी किसी का कोई स्ट्रक्चर आ रहा था, लेकिन वो जो सेवन रेगुलर फिगर्स थे उनसे ही कंफर्म कर रहे थे वो स्ट्रक्चर। सो ये जो बेसिक रेगुलर फिगर्स थे इनका नाम दिया गया सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स, ये नाम दिया गया इनका। अब एक क्रिस्टल किस सिस्टम को बिलोंग कर रहा है ये कैसे पता करेंगे हम? इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एंगल्स बिटवीन इट्स फेसेस एंड डिसाइडिंग हाउ मेनी एक्सेस आर नीडेड टू डिफाइन द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इट्स शेप। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी एक क्रिस्टल एक सिस्टम को बिलोंग कर रहा है या किस सिस्टम को बिलोंग कर रहा है? पहली बात तो उसके फेसेस के बीच में जो एंगल है हम उसे मेजर करेंगे, और दूसरा ये पता करेंगे कि उस शेप के प्रिंसिपल फीचर्स को डिफाइन करने के लिए हमें कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, उन्होंने ये शो किया कि सिर्फ 14 ही ऐसे पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटाइसेस हैं जो कि हो सकते हैं, और इन लैटाइसेस का नाम दिया उन्होंने ब्रेविस लैटाइसेस। ठीक है, अब इन ब्रेविस लैटाइसेस का डायग्राम और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सात क्रिस्टल सिस्टम्स जो है हमारे उनके डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये हमारे वो सात क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो अब हम इनके साथ ही हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके वेरिएशंस और ये सब पढ़ेंगे, और ब्रेविस लैटाइसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी टेबल की तरफ। तो इस टेबल में हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स, उनके वेरिएशंस, उनकी एज लेंथ, एंगल्स और एग्जांपल्स के बारे में बात की गई। तो स्टार्ट करते हैं, पहला है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे तीन वेरिएशंस हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब इसकी जो लेंथ होती है वो तीनों सेम होती हैं, एंगल्स भी तीनों सेम होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में जो वेरिएशन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है क्यूबिक से, ए इज इक्वल्स टू बी होगा, लेकिन ये दोनों सी के बराबर नहीं होंगे, यानी कि सी वाली लेंथ अलग होगी, लेकिन एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं और 90 डिग्री के भी बराबर हैं, यानी कि क्यूबिक से मैच करते हैं। एग्जाम्पल्स Y10, SNO2, TiO2 और CaSO4। तीसरा आता है हमारा ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक में चार तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसमें जो एज लेंथ होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन एंगल्स बराबर होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल रहते हैं। रॉम्बिक सल्फर, KNO3 और BaSO4 इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। हेक्सागोनल जो है उसमें सिर्फ एक तरीके के वेरिएशन मिलता है, यानी कि प्रिमिटिव, जिसमें ए इज इक्वल्स टू बी होता है, लेकिन वो सी के बराबर नहीं होता, यानी कि टेट्रागोनल की तरह हो गया ये। लेकिन इसमें टेट्रागोनल से एक डिफरेंस है, उसमें तीनों एंगल सेम थे और 90 डिग्री के बराबर थे, लेकिन इसमें सिर्फ दो एंगल सेम है, 90 डिग्री के बराबर है। जो तीसरा एंगल है हमारा गामा, वो 120 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZNO और CDS। नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। इसमें भी सब हमें प्रिमिटिव वेरिएशन मिलेगा, इसमें तीनों साइड सेम होंगी, तीनों एंगल सेम होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। जैसे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 60 डिग्री के बराबर हो सकते हैं, 45 डिग्रीज के बराबर हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, लेकिन 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल दो हैं इसके, CaCO3 और HGS, यानी कि सिनाबार जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो आ रही है हमारी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड में क्या है, इसमें तीनों साइड जो है वो अलग होंगी और इसमें एंगल्स थोड़े से डिफरेंट है। अल्फा जो है वो बीटा की बजाय गामा से मैच करेगा और वो दोनों 90 डिग्री के होंगे, और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4.10H2O। और लास्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी हमें सिर्फ प्रिमिटिव सेल मिलेगी और इसमें ना तो तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी और ना तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे और वो 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल K2Cr2O7, CuSO4.5H2O और H3BO3। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इन सब के जो है डायग्राम्स दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। सो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, जैसे सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपका, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम शोज ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल।
तो उसमें तीन आएंगे आपके, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो इसको आप HRT इस वाले नुमोनिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये जो मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, ये थे हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब इन क्रिस्टल सिस्टम्स में जो हमारी लिटाइसिस बन सकती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लिटाइसिस, जो ये जो वेरिएशंस आपको दिखाए हैं वो। अब इन सब वेरिएशंस के डायग्राम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा था क्यूबिक, जिसमें हमारे तीन टाइप के बन रहे थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो वो इस तरीके की दिखती है। दूसरा है हमारा टेट्रागोनल, जिसमें हमारे दो तरीके के हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, जिसमें हमारा ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी होता है, लेकिन जो हमारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं सारे। तीसरा जो आता है हमारा वो है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक में हमारे चारों तरीके की सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव भी, BCC, ECC और FCC तीनों होती हैं। इसमें अनइक्वल साइड्स होती हैं, यानी कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा बीटा गामा जो है वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और एक दूसरे के भी। चौथा आता है हमारा मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ए नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा जो है वो गामा के बराबर होगा 90 डिग्रीज, और बीटा जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होगा। तो वही चीज इसमें दिखाई गई, अनइक्वल साइड्स हैं सारी, और अल्फा जो है वो गामा के बराबर होगा और बीटा जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होगा, यानी कि अल्फा और गामा के बराबर नहीं होगा, कहीं मोर देन 90 भी हो सकता है, लेस देन 90 भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है तीन, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, जो मैंने आपको HRT बताई, जिसमें सिर्फ हमारी प्रिमिटिव सेल ही देखने को मिलती है। तो वो इस तरीके की दिखाई देती है। ये हेक्सागोनल लटाइस है हमारा, जिसमें ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी होता है, और अल्फा बीटा तो जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्रीज होता है। और जो हमारा रोम्बोहेड्रल है वो मैंने बताई दिया, इसमें तीनों साइड सेम होती हैं, लेकिन तीनों एंगल्स जो हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्रीज से मैच नहीं करते, 90 डिग्रीज के बराबर नहीं होते। और लास्ट जो ट्राइक्लिनिक आता है, उसमें तो ए बी सी भी अलग होते हैं और अल्फा बीटा गामा भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो क्लियर हो गया। तो ये हमारी वो 14 क्रिस्टल लटाइसेस हैं जो हमने वेरिएशंस के तौर पे यहाँ पे पढ़ी। ये उन सब के डायग्राम थे, और क्रिस्टल सिस्टम के हमारे डायग्राम्स ये ग्रे कलर वाले, ब्लू कलर वाले जो हैं वो थे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारे ब्रेविस लटाइसेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, किस तरीके के ये दिखाई देते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल और जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, और जैसा कि हम सबको पता है कि जितने ज्यादा डायग्राम्स हम आंखों से देखते हैं उतना ज्यादा हमें जो है याद रहता है। हम पढ़ेंगे कोई चीज़ तो हमें इतनी ज्यादा ध्यान नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट से या डायग्राम के थ्रू अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें जल्दी याद हो जाएगा। सो वही काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, सो गाइज, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day.